अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय किचन रेसिपीज। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं बना रही हूँ मजेदार से चटपटे से तीखे से जीरा आलू। बहुत मजे के बनते हैं। आप इसे चावल से खाएं, रोटी से, पराठे से खाएं, जिससे भी खाएं, चावल से तो ये बहुत मजे के लगते हैं। तो आइए इसको फौरन से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए थे, इनको कट कर लिया है और इन्हें बॉईल करके रख लिया है। इसके अलावा यहाँ मैंने एक मसाला बनाया है, इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून सफेद जीरा लिया था और 1 टीस्पून साबित धनिया लिया था। दोनों को अच्छे से ड्राई रोस्ट किया था और फिर दरदरा सा इसको मोटा मोटा कूट लिया है। देखिए इस तरह से, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना आपने इसको पीस लिया है। ये 1 खाने का चम्मच है, ठीक है। पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच, 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और ये थोड़ा गर्म हो गया है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून जीरा, क्योंकि ये जीरा आलू है इसलिए इसमें जीरा जरा ज्यादा जाएगा और इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। बस अब मैं इसमें ऐड करूंगी आलू जो हमने उबाल के और क्यूब्स में करके रखे थे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जीरे के साथ। और इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट करके मुझे जरूर बताया कीजिए कि आपको रेसिपीज कैसी लगती हैं और अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो वो भी मुझसे जरूर शेयर किया कीजिए, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी। बस इसी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं आलूओं को फ्राई होते हुए जीरे के साथ। बस अब मैं फ्लेम को जरा लो करूंगी और इसमें ऐड करना है ये मसाला जो हमने पीस के रखा था, ये पूरा 1 खाने का चम्मच है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इस मसाले के साथ आलूओं को अच्छे तरीके से हमें फ्राई करना है ताकि ये मसाला आलूओं के ऊपर कोट हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भुने हुए जीरे की, इसके अलावा सूखे धनिया की। जीरा और धनिया तो वैसे भी किसी भी सब्जी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है अगर आप उसको फ्राई करके डालें, इस तरह से रोस्ट करके, फ्राई करके नहीं सॉरी रोस्ट करके डालें, दरदरा सा कूट के, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे सब्जियों में। अब मैं इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी। देखें बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ऐड की है क्योंकि हमारी लाल मिर्चें ऑलरेडी बहुत तेज होती हैं। मिर्च और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही रखना है। इसके अलावा थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे सिर्फ कलर आएगा और इसमें तीखापन या तेज नहीं होती है। और नमक ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। चलिए इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। आमचूर पाउडर बहुत मजे का इसमें फ्लेवर देगा। अगर आमचूर पाउडर नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा सा नींबू का रस इसमें ऐड कर दीजिएगा और ये 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सॉल्ट डाल रही हूँ। बस अब इसे बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है और यहाँ हमारी जीरे वाली आलू की सब्जी बिल्कुल रेडी है। बहुत मजे की खुशबुएं उठ रही हैं। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। जब आपके घर में कुछ ना हो, जैसे कभी ऐसा होता है कि कोई सब्जी वगैरह नहीं होती घर में, तो बस आपने झटपट से आलू लेने, क्योंकि आलू और प्याज तो लाजमी हर घर में ही मौजूद होती है, आपने ये जीरा आलू बना लेने हैं और सबको खुश कर देना है। चलिए ये तैयार हो गए हैं। मैं इसके अंदर लास्ट में डालूंगी हरा धनिया और इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मज़ेदार से ज़ीरा आलू बिल्कुल तैयार है। आपने रेसिपी को ट्राई करना है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।